आपको कि अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन जो है एटीसी और वियोम डील पूरी हो गई है। एटीसी ने वियोम में 51% हिस्सा 7635 करोड़ रुपए में खरीदा है। श्री इंफ्रा ने इस सौदे में वियोम में अपना पूरा 18.5% हिस्सा बेचा है। श्री इंफ्रा को डील से 2931 करोड़ मिलेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए श्री इंफ्रास्ट्रक्चर के वीसी सुनील कनोरिया साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा आपसे कि वियोम डील से जो रकम मिलेगी उसका कंपनी इस्तेमाल कैसे करेगी? लास्ट 4-5 महीने से हमने एक ग्रीन शूट्स और थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट और ग्रोथ आने लगी है। स्पेशली अगर हम देखें तो रोड सेक्टर को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिली है। काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स और प्रॉब्लम्स थी उसे एड्रेस किया गया है। इरिगेशन में ग्रोथ आ रही है, काफ़ी काम दिए जा रहे हैं। माइनिंग सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, ग्रोथ हो रही है, जहाँ की 4 साल कुछ नहीं हुई। तो ये सब कारण से हमारी ग्रोथ आ रही है उसमें, और उस पर फोकस करेंगे। प्लस जो अगर हम प्रोजेक्ट फाइनेंस को देखें, काफ़ी प्रोजेक्ट जो ब्राउन फील्ड अटक गए थे उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम केसेस जो हैं, प्रॉब्लम स्ट्रेस अकाउंट्स जो हैं प्रोजेक्ट्स, उसको कैसे ले करके टर्न अराउंड करें, डेवलप करें जी, उसी में लेकिन सर ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या डील से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए करेंगे क्या? पहले अगर देखेंगे, श्रेय एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारा रॉ मटेरियल मनी है, तो हम तो डेट को रिड्यूस खाली कर देंगे तो फिर हम ग्रो नहीं करेंगे। तो हम डेट को, अभी जो पैसे आई ऑब्वियसली डेट रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन हमको ग्रो भी करना होगा। तो अगर सही तरीके से लोअर रिस्क मैनेजमेंट करके, बेटर रिस्क मैनेजमेंट करके अगर हमारी ग्रोथ होती है, हम उस पर भी फोकस करेंगे। सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, इस डील से थोड़ा हटके है कि MCLR जो नियम है वो जब लागू हुआ है तो उसका असर आपकी फंड लागत पर किस तरीके से देखने को मिलेगा? एक मार्जिनल बेनिफिट होगी। लोग बैंक्स जो हैं वो जो उनकी जो करंट कॉस्ट ऑफ फंडिंग है उसको बेस लेकर के आज लेंडिंग कर सकेंगे। जो पास में जो चैलेंजेस थी, हाई कॉस्ट फंडिंग थी, उसको एक एड ऑन नहीं हो जाएगा, एक बर्डन नहीं आ जाएगा। बट जो हमने सजेस्ट किया था पास में भी गवर्नमेंट को, कि जैसे ग्लोबली एक लाइबर है और वो लाइबर को बेस लेकर के एक है ना प्राइसिंग होती है, चाहे फिक्स्ड लाइबर हो या फ्लोटिंग लाइबर हो, वैसे ही इंडिया में एक इंडियन लाइबर को डेवलप कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक मार्केट बेंचमार्क हो। टाइम लगेगी इसको डेवलप करने में, लेकिन अगर जहाँ से शुरुआत करें और इंडियन माइबोर हो या मुंबई इंटरबैंक रेट करके हो, तो उसमें आई थिंक कि ये काफ़ी हद तक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंसी और एक कस्टमर के लिए जो बोरोअर है उसके लिए इसी मुद्दे पर सर रेट के मुद्दे पे पूछना चाहता हूँ। देखिए 2015 में तो RBI ने 1.5% की रेट कटौती कर दी है, लेकिन 2016 से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? RBI के यहाँ से और इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है? क्या ये एक बैलेंस है? ऑब्वियसली जो उद्योग हैं उन्हें तो लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग चाहिए। अगर वो नहीं रहती है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रियल इन्वेस्टमेंट्स हो बड़े माने में, वहाँ पर अगर कॉस्ट लो नहीं रही तो प्रोजेक्ट वायबिलिटी जल्दी नहीं आती है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो, बट साथ साथ में जो इन्फ्लेशन है कंट्री में उसे भी देखना है, ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी को भी देखना है, मॉनिटरी पॉलिसी को भी देखना है। तो आई थिंक ये बैलेंस करके होगी। अगर हमें लग रही है कि आगे चलकर जो मॉनसून अच्छी होगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये होल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स और मिनिमम इंटरेस्ट रेट गिरना चाहिए।